मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाएं, अन्यथा 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। धन्यवाद। तो आज जो है हम लोग भी अपना बैल को जो है बेच दिए हैं, तो आज बैल लेने के लिए आए हुए हैं। तो इधर काफ़ी बड़ा एरिया में जो है बैल मार्केट लगता है और काफ़ी किसान भाई लोग जो हैं आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ गाड़ी पार्किंग करते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं पर्ची कुछ इस प्रकार से है और 20 रुपये जो है यहाँ मतलब पार्किंग का जो है शुल्क है, मतलब चार्ज है। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं करम ध्रुवी आप सबका स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में, ठीक है। आप दिखाते हैं कैसा होता है बैल मार्केट। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे जो है बैल का मार्केट लगता है और सारा चीज़ जो है आज का माहौल आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। और इधर होटल वगैरह है नाश्ता पानी के लिए। और मैं जो है माइक नहीं पकड़ा हूँ तो वॉइस क्वालिटी थोड़ी लो आ रही होगी, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा भाई लोग पुराना बैल, ठीक है। तो काफ़ी किसान भाइयों को जो है पुराने बैल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये पूरे हल चला चुके हैं। ये हल कैसे जोताई करना है सारा चीज़ जो है कोई किसान इसको सिखा के रखा था, तो अभी उसको बूढ़े हो जाते हैं फिर बेच देते हैं। तो किसी किसी को ज़रूरत रहता है तो पुराने बैल भी यहाँ पे मार्केट में मिल जाता है। तो इधर देख सकते हैं पूरा नया नवेली बछुए। तो काफ़ी किसान लोग जो हैं देख सकते हैं खड़े होकर के देख रहे हैं और अपने मनपसंद बैल जो हैं छांट रहे हैं कहना चाहिए। तो काफ़ी भीड़ भाड़ माहौल है। ये देखो इन लोग बिल्कुल नए हैं, तो इन लोग को सिखाने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए जो है काफ़ी किसान जो हैं पुराने बैल ले जाते हैं। और यहाँ पे जो है जो भी बैल व्यापारी हैं वो किसान को अपने बैलों को जो है इधर उधर उसकी चाल को जो है थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ी दूर ऐसी चला के दिखाते हैं कि किसान के साथ जब ये हल चलाएगा तो किस टाइप से मतलब बैल का जो है रिएक्शन रहेगा या किस टाइप सा उसका चाल चलन है, ये सारा चीज़ बैल व्यापारी जो है दिखाने की कोशिश करता है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ माहौल है भाई लोग, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो है मैं यहाँ बैल मार्केट आया हूँ बैल खरीदने के लिए। इतना ज़्यादा किसान लोग को जो है बैल की ज़रूरत है। तो इस टाइम जो है हम क्या है कि किसान लोग क्या करते हैं कि मतलब पुराने जो बैल जो है बूढ़े हो जाते हैं फिर उसको बेच के जो है नया बैल जो है लेते हैं। जैसे ये देख सकते हैं पूरे नए नवेले बछुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ माहौल है और अभी हम लोग के पापा लोग को जो है कहाँ घूम गए हैं, उनको काफ़ी देर तक जो है उनको ढूंढ रहे हैं कहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा भी बैल का मोल भाव होता है तो कैसा होता है आप लोग को दिखाएंगे। जो लेना है तेला मांग अजर गजर करे में नहीं मिले कट्ठा मांग कैसे कक्का। एक काम करना नांगा चलाओ ले ले, मैं जबरदस्ती ले लेकर कभी कहा नांगा चलाओ ले ले। हो गए और हम लोग का बैल वाला मोल भाव जो है हुआ नहीं है, तो अभी फिर से जो है थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी क्या है कि सुबह टाइम है 12-1-2 बजेगा तो कुछ रेट जो है डाउन होगा। और आज का बैल मार्केट का रेट जो है कोई भी बैल ले लो मतलब 15 से नीचे नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कैसा मिलता है, ठीक है। सो फाइनली गाइस हम लोग का बैल खरीदी जो है बिल्कुल हो गया और इधर पापा लोग जो है आगे तरफ खेद रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे है नए रस्सी से जो है बांध रहे हैं कहना चाहिए। और ये देखो अपना बैल, ठीक अच्छा है ना। तो इसकी प्राइस जो है पापा ने
15,000 मांगा था 15,000 में, और जो बैल व्यापारी हैं उन लोग के तरफ से ये बैल जो है 35,000 रुपये था। तो एक बार में तो हम लोग का मोल भाव जमा नहीं, अभी सेकेंड बार में फिर से दोबारा गए तो 15 मांगा था पापा ने, तो 15 के बाद डायरेक्ट उन्होंने 20 किया, 20 से 22, 22 फिर 24, फिर मैं पहुंचा तो इसको 25 में जो है बढ़कर अभी ले रहे हैं कहना चाहिए। तो बैल अच्छे हैं, अभी घर में ले चलेंगे, फिर इसको हल वगैरह चला के देखेंगे तब पता चलेगा कैसा है, ठीक है। बड़ी मुश्किल में जो है बैल हमको मिला, और जब से मतलब बैल मार्केट में घुसे तब से एक बैल में नज़र था, तो काफ़ी देर घूमते फिरते हुए जो है हम जो है उसी बैल को डिसाइड किए। तो हम अभी बस ये नंदन झरिया के पास जो है अभी है, और काफ़ी ज़्यादा धूप भाई लोग, हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। सुबह से लेकर अभी कितना 12 बज गए कहना चाहिए, तो काफ़ी धूप। A few moments later. तो दोस्तों हम पहुंच चुके अपने गांव, और ये अपना गांव का सरहद जगह है, तो यहां पे जो है बैगा पुजारी लोग को जो है मैं बुलाया हूं, यहां देख सकते हैं। तो हम लोग के गांव में जो है किसी दूसरे गांव से दुल्हन लाया जाए या बैल लाया जाए, तो इस प्रकार से जो है बैगा पुजारी द्वारा अपने ग्राम देवता की पूजा किया जाता है, वही पूजा पाठ यहाँ पे हो रहा है, फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।